श्री हरिवंश, श्री राधा वल्लभ, श्री हरिवंश। वृंदावन धाम में हम आज तटिया स्थान आए हुए हैं। बहुत ही विशेष स्थान है यह वृंदावन धाम का, क्योंकि यहाँ पर परम रसिक संत यहाँ पर विराजमान रहते हैं और बड़े महाराज यहाँ के जो हैं इनकी बहुत बड़ी निष्ठा है। निष्ठा ये है कि यह तटिया स्थान को छोड़ के कहीं बाहर निकलते ही नहीं। वैसे संत महात्मा वृंदावन में जो वास करते हैं, जिन्होंने वृंदावन का अखंड वास लिया है, वो संत महात्मा वृंदावन के बाहर नहीं जाते। लेकिन यहाँ के जो बड़े महाराज हैं, उन्होंने तटिया स्थान का वास लिया है, तटिया स्थान के बाहर नहीं जाते हैं, ऐसा हमने यहाँ के लोगों से सुना। यह तटिया स्थान हमारे रसिक संप्रदाय का बहुत ही विशेष स्थान है। प्राचीनता को यहाँ पर बनाया रखा गया है। किसी प्रकार की लाइट विद्युत की यहाँ अनुमति नहीं है, अर्थात यहाँ लाइट आपको देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर जो रज दिख रही है, जिसको मिट्टी कहते हैं, रज का प्रयोग किया जाता है। यह रज बहुत विशेष है, क्योंकि इस रज को आप अपने माथे में अपने शरीर पे धारण करोगे, लगाओगे, तो इससे एक विशेष प्रकार का प्रेम आपके अंदर होने लग जाएगा। वो प्रेम भागवतिक प्रेम है, अर्थात रज लगाने से भगवान के चरणों में प्रेम, संत महात्माओं के चरणों में प्रेम आने लग जाएगा। आपके अंदर की जो सांसारिकता है वो छूटने लगेगी और आपका मन भगवान की तरफ बहुत तेज़ी से उन्मुख होने लगेगा। तो ये रज सामान्य रज नहीं है, यह वृंदावन तटिया स्थान की रज है। ये लता पताएँ वृक्ष आप जो देख रहे हैं, ये साधारण वृक्ष नहीं है। वृंदावन में कोई भी वृक्ष साधारण नहीं है, सब राधा रानी की सखियाँ हैं। इनके डाल डाल पे, पात पात पे श्री राधा राधा नाम अंकित है, राधा रानी की सखियाँ हैं। रात को इनका स्वरूप बदल जाता है। हमारे नेत्र दिव्य नहीं है, आध्यात्मिक नेत्र नहीं, प्रेम नेत्र नहीं है, इसीलिए हमको ये सामान्य पेड़ दिख रहे हैं। अगर हमारे नेत्र भगवान की दृष्टि से प्रेम वपू हो जाएं, प्रेम रूप हो जाएं, सब कुछ हमें दिखने लग जाए, तो हमें यहाँ पर नित्य हमारे युगल सरकार राधा कृष्ण और उनकी सखियाँ ही दिखाई देंगी। यहाँ पर जो संत महात्मा रहते हैं, वो अपने शरीर में रज को धारण करते हैं, पूरे शरीर में रज लगी रहती है। यहाँ के जो बर्तन अर्थात पात्र होते हैं श्री जी की सेवा के लिए, यह संत महात्मा जो अपनी सेवा में लेते हैं, उन सभी पात्रों को यही रज से ही धोया जाता है, मांझा जाता है। यहाँ पर मोबाइल फोन अलाउड नहीं है। अंदर जब आप भगवान के दर्शन करने जाते हैं, तो वहाँ आपको सख्त हिदायत दी जाती है कि अपने फ़ोन को स्विच ऑफ ही करना है, एयरप्लेन मोड नहीं करना। स्विच ऑफ करने के बाद ही आप अंदर प्रवेश कर पाओगे, युगल सरकार के दर्शन कर पाओगे। वहीं जब महाराज जी के आपको दर्शन करने हो, तब भी आपको यही नियम का पालन करना होगा, मोबाइल स्विच ऑफ करना होगा। तो वृंदावन धाम में आके तटिया स्थान के जरूर दर्शन करिए। राधा वल्लभ, श्री हरिवंश।